गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पते हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरफी, आपकी सिरफी, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, कौन से मैसेजेस आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपको करने की जरूरत है और क्या कुछ ऐसा है जो आपको रोक देने की जरूरत है। तो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे हमारे कार्ड्स के जरिए। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, तो जरूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट हो। तो जिनके साथ में रेजोनेट होता है वो इस रीडिंग को देखे, जिनके साथ में नहीं होता है कोई बात नहीं, जाने दें। हो सकता है कि इस बार ही आपके सवालों के जवाब आपको ना मिले, मदर यूनिवर्स नहीं देना चाहती है तो नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको थैंक्स कहना है, खुश रहना है, और आप चाहें तो प्रे कर सकते हैं मदर यूनिवर्स से कि भाई नेक्स्ट रीडिंग में हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। या फिर मैं तो यही कहूंगी कि आप बस मैनिफेस्ट करो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। मदर यूनिवर्स को जब ठीक लगेगा, उनको लगेगा कि ये समय सही है और आपको आपके सवालों के जवाब मिलने चाहिए, तब वो आपके सवालों के जवाब आपको दे देंगी। एंड आई थिंक ये सही रहता है। ओके, फोर्सफुली आप कुछ करते हो तो आपका काम तो बनता है लेकिन फिर आप संतुष्ट नहीं होते। सो अपने डिवाइन टाइमिंग पर अगर काम हो तो अच्छा है, तो आपको मदर यूनिवर्स पर छोड़ देना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं और बाकी के जो भी रीडिंग्स हैं सभी देख सकते हैं। एंड हाँ, आज की जो रीडिंग है वो बिल्कुल वैसी ही होने वाली है जैसा कि मैंने पहले डाला था, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखते हुए। तो पहले हम आपका पास्ट देखेंगे, उसके बाद करंटली जो भी चल रहा है वो देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ओके, लोगों को ये अच्छा लगा था ये तरीका रीडिंग करने का, तो मैंने सोचा कि फिर से इसी तरीके से रीडिंग करती हूं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपकी एनर्जी क्लींजिंग करूंगी, जो कि सभी लोग बोलते हैं कि आप हमेशा ही कर दिया करो, हमें अच्छा लगता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बोलते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे सिर में दर्द होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए मैं टाइम स्टैम्प डाल देती हूं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो कि आपका देखने का दिल नहीं कर रहा फिर भी आप देखो, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर देना। तो चलिए पहले एनर्जी क्लींजिंग कर लेते हैं सिंगिंग बॉल से और उसके बाद देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल और अब मैं इससे आपकी एनर्जी क्लींजिंग करूंगी। सो शुरू करते हैं।
तो चलिए अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। आपकी क्लेंजिंग हो गई है तो देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अब हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूँ। टंटना लवर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज आपके लिए। सबसे पहले मैं आपका पास्ट देखूंगी और उसके बाद जो भी करेंटली चल रहा होगा वो मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। देखिएगा आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं। कुछ लोगों से हो सकता है 100% रेजोनेट हो जाए, कुछ लोगों से 50 होगा, किसी से 30 हुआ, किसी से 20 हुआ, किसी से 10 हुआ, इस तरीके से हो सकता है। जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, बाकी का जाने देना है, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो अगर पूरा रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इसके लिए बुरा फील ना करें। ओके, बुरा तो देखो हमें किसी भी चीज के लिए फील नहीं करना। जो हमारी लाइफ में टफ टाइम आता है ना, उसको भी हमें वेलकम करना है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। क्योंकि देखो दुखी होकर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी, प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं, है ना, वो तो आनी ही आनी है। आपके रोने से, परेशान होने से चली जाएगी नहीं। जब भी प्रॉब्लम आए ना तो उसको बोलो ठीक है, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, और तुमसे तो तुम्हें तो मैं फेस करूंगी या करूंगा, और अगर फाइट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे भाई हम। ठीक है, ये बोलना है उसको। तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट कैसा था, कैसी थी आपकी एनर्जी। मदर यूनिवर्स हमें प्लीज बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका पास्ट कैसा था। जिन लोगों को आप आंसर देना चाहते हो उनका पास्ट हमें बताइए कि कैसा था। हॉर्स राइडिंग किसी को बहुत पसंद है आई थिंक। यहाँ पर कोई है जो रीडिंग देख रहा है जिसको हॉर्स राइडिंग पसंद है करना या फिर देखना, या फिर हॉर्स उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, शायद इस वजह से। और हो सकता है कि उनका बचपन किसी, उनकी बचपन की कोई मेमोरी है जिसमें उन्होंने हॉर्स देखे हों या कुछ इससे जुड़ा हो, लेकिन कुछ होगा जरूर, मुझे ऐसे लग रहा है, आप लोग बताइएगा। ओके, तो देखते हैं पहले ये कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। पास्ट के क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो यहां पर काफी सारे लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूं वो ये, पहले राशियां बता देती हूँ, ठीक है। एयर साइन लगता है मुझे आप लोग लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर फायर साइन हो सकते हो एरीज लियो सेजिटेरियस, या फिर वाटर साइन हो सकते हो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं, आपको मजबूत तो मैं देख पा रही हूं अगर आपका पास्ट देखूं तो। हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पर हों आप उस वक्त, जो भी जॉब कर रहे थे तो एक अच्छे पद पर हों, या कोई बिजनेस था आपका तो उसको बड़े अच्छे से आप डील कर रहे थे। एक बॉस की जो एनर्जी होती है ना वो मुझे फील हो रही है, एक बॉस की तरह आपने काफी कुछ संभाला है, काफी जिम्मेदार रहे हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही अपनी फैमिली को चला रहे थे, मतलब प्रोवाइडर थे अपनी फैमिली के। जिम्मेदारियां बहुत हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा रही हैं आप पर पास्ट में, कि उसकी वजह से आपका जो नेचर था, जो सच में आप थे, जैसे आप बहुत इमोशनल थे आई थिंक, तो वो जो नेचर था, वो जो आपका एलिमेंट था वाटर एलिमेंट, आपने उसको चेंज करके या तो फायर एलिमेंट में लाए आप, या फिर एयर एलिमेंट में लाए। यानी कि बहुत इमोशनल थे, उसके बाद फिर बहुत प्रैक्टिकल बने, आपने बनाया खुद को। मैं ये नहीं कहूंगी कि खुद बन गए, आपने बनाया, क्योंकि आपको ये लगा कि आपको ही सब कुछ हैंडल करना है। तो अगर आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहे, काइंड हार्टेड रहे, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपके सिर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके,
अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कि आपने ऐसा क्यों किया होगा। आई नो, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं जानती हूँ कि अगर आप अकेले सब कुछ हैंडल करते हो तो लोग किस तरीके से आपको बांधने की कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं आपका फायदा उठाने की, और आपको खुद से ही खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप सिंगल मदर हो, तो वो भी एक रीजन हो जाता है कि भाई मुझे फैमिली देखनी है, अपने बच्चों को भी देखना है, तो और मेरे 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 पास कोई भी नहीं है, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। बल्कि ऐसे ही लोग ज्यादा हैं जो फायदा उठाने का सोचते हैं कि ओके, ये सिंगल है, ये अकेली है तो इसका फायदा उठाते हैं, ये मजबूर है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप एक वाटर एनर्जी से फायर या एयर एनर्जी में आए। एयर एनर्जी से मेरा मतलब है आपने दिमाग से सोचना शुरू किया, प्रैक्टिकल हुए आप, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो बात करने का ढंग था वो कुछ ऐसा हो गया कि शायद कुछ लोग आपको रूड कहने लगे हों कि अरे ये कितनी रूड है, या कितना रूड है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, ये इस तरीके से बात करती है। कई लोग आपके अगेंस्ट आए हों, आपका इंटेंशन नहीं समझा, सिर्फ ये देखा कि आप बात किस तरीके से कर रहे हो, तो उस आधार पर आपको जज किया। कई बार ऐसा होता होगा कि सामने तो आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बता रहे हैं, या उन्होंने जो आपसे कहा उसका जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन जब आप घर में आते हो, अपने रूम में आते हो, तो आप रोते हो। ठीक है, बहुत परेशान होते हो कि क्यों आपके इंटेंशन को कोई समझ नहीं पा रहा, या क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से आपको ऐसा करना पड़ रहा है जबकि आप ऐसे नहीं हो। खुद रोते हो, खुद ही अपने आंसू पोंछ लेते हो, और उसके बाद फिर दूसरे दिन खड़े होते हो और फिर से वही सब कुछ देखते हो जो आपको देखना पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आप डिवोर्सी हैं, और ये जो डिवोर्स हुआ तो उससे आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले भी आपके सपोर्ट में ना हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी की वजह से ही, मैरिज की वजह से ही इश्यूज आए हों, कि आप को अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, और आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप पर ताने कस रहे हैं कि शादी नहीं हुई और एज हो गया और ये वो। और कुछ लोगों के लिए बेशक आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके आपका जो ओहदा है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक ऐसे पर्सन बनकर उभर कर आए हो जिसको कोई पसंद नहीं करता था, या फिर लोग सामने से तो आपको हाँ जी हाँ जी बोलते थे लेकिन पीठ के पीछे बहुत बुराइयां। ओके, कुछ इस तरीके से। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप स्पष्ट बोलते थे और आपको ये लगता था कि अगर आप स्ट्रिक्टली काम नहीं करोगे, इन लोगों को इस तरीके से हैंडल नहीं करोगे, तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपको कंफ्यूज रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, तो आप जो क्लैरिटी मांगते हो उसका जो तरीका रहता है ना, वो कुछ ऐसा हो जाता है थोड़ा सख्त सा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि सामने वाला आपको कुछ गलत बोलता हो। ओके, आपकी समझ से ये है कि मैंने क्या गलती करी, मैंने तो सफाई मांगी और मैं जिस जगह पर हूं, या सफाई मांगना मांगना कहां पर गलत है? अगर मैंने सफाई मांग भी ली, मैंने कहा कि ठीक है मुझे क्लैरिटी दे दो, तो मुझे फंसा कर क्यों रखे हुए हो, हाँ या ना में जवाब दो, या कुछ भी, किसी भी चीज की अगर आप क्लैरिटी मांगते हो तो इसमें गलती कहां है, मेरी कहां गलती है? लेकिन गलतियां आप पर थोपी गई। हो सकता है ऐसा हो आपके साथ पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, क्योंकि सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आपको बताया है इस तरीके से कि यही पर्सनैलिटी आपकी रही है। बेशक आपके इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन शायद आपके लिए लोगों के विचार अच्छे नहीं थे, और हो सकता है समटाइम्स आप भी ओवर रिएक्ट कर जाते हो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से। मजबूत हैं आप, लेकिन एक डर फिर भी अंदर है कि अगर मैं इस जगह पर इस तरीके से मैंने सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो इनसिक्योरिटी की वजह से भी हो सकता है बात आप सही कहते हो लेकिन गलत दिशा में लोग लेकर जाते हो और फिर उसका प्रभाव आप पर पड़ता हो। ओके, बट हाँ, तीखे तो आप हो,
हो नहीं पता थे तीखा बोलने वालों में से आप थे। तो अब हम देख लेते हैं कि करंटली क्या है। यहां पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप डिवोर्सी हो तो हो सकता है किसी और के साथ में, ये जो आपका डिवोर्स हुआ उसके बाद किसी और के साथ में आप कनेक्शन में आए हो और उस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी, आपको वेट करवाया। आप हो सकता है उससे जवाब मांगते हो कि भाई हाँ या ना में जवाब दे दो तो मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं। ओके, आपको तो मैं देख रही हूं कि आप काफी ज्यादा मजबूत रहे हो और आप इसके लिए भी तैयार थे कि अगर सामने वाला ना बोल देगा तो भी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को जीना है। लेकिन सामने वाला ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर था एंड सच में बहुत वेट करवाया आपको। और मुझे ये भी लगता है कि शायद अब वो कनेक्शन रहा भी ना हो, अगर है भी तो शायद वो ना के बराबर ही है, कुछ ऐसा हो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो देख लेते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आप अब ये वाला रीडिंग भी देखें, आई मीन करेंटली क्या चल रहा है उसको भी देखें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, डेविल। जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो करंटली अगर मैं देखूं, आई फील कि अबंडेंस तो है, ठीक है। आप मेहनत भी कर रहे हो अपनी अबंडेंस पर, अपना करियर बना रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो। अगर अच्छा अर्न नहीं भी कर रहे हो अभी तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं जहां पर आप खुद को साबित कर सको कि मैं क्या हूं। आपके ड्रीम्स जो हैं वो भी धीरे धीरे करके ही सही लेकिन पूरे हो रहे हैं। ओके, बट क्योंकि यहां पर डेविल का कार्ड है विथ स्टार, तो ये कार्ड बताता है कि किसी ना किसी तरीके की हीलिंग भी आप साथ ही साथ कर रहे हो। यानी कि जो तकलीफें आपको मिली हैं, जो पास्ट आपका रहा है ना, वो कुछ ऐसा रहा है, हो सकता है जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे भी कहीं ज्यादा आपका जो पास्ट है वो डार्क रहा हो और उसकी वजह से उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो आपके लिए। क्योंकि डेविल की एनर्जी तभी आती है, जो डार्क एंड निगेटिव एनर्जी है उसने कहीं ना कहीं आपको पकड़ कर रखा है। और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो हील करते हुए, एंड वो लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितने मजबूत हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी खड़े हुए हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप सिंगल मदर हो तो हाँ, आपके बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो होता है ना कि अगर कोई पावरफुल है तो उसके पीछे पीछे लोग भागते हैं, प्यार नहीं होता लेकिन सिर्फ इसलिए उसके आगे पीछे घूमते हैं कि क्या पता कल को हमें जरूरत पड़े या हमारा कोई फायदा हो जाए। तो वो चीजें हो सकता है हो। अब क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, ये तो दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, तो आपको पता है कि ये लोग जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं वो इसलिए तो नहीं घूम रहे कि आपको प्यार करते हैं, बट इसलिए घूम रहे हैं कि आपकी पोजिशन ऐसी है, आपका ओहदा ऐसा है, या फिर आपका ऑरा ऐसा है, आपका पावर ऐसा है, आपकी सीख, आपकी बातें ऐसी हैं जिससे कि वो फायदा उठा सकते हैं। अगर उनको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो वो आपके एक्सपीरियंस को जानते हुए समझते हुए अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फायदा नजर आता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आप कितने भी स्ट्रिक्ट हो लेकिन आपकी एक चीज तो मैं देख रही हूं कि आप हेल्प करने में कभी पीछे नहीं रहते, हेल्प आप करते हो। और अगर आपने एक बारी बोल दिया कि हाँ मैंने इसकी हेल्प करनी है तो करनी है, फिर आप अपने शब्दों को बदलते भी नहीं हो। ओके, भले ही सामने वाला कोई भी हो, अगर आपने एक बारी बोला कि हाँ मैंने इसकी हेल्प करनी है तो मैं करूंगी या करूंगा,
इस आदत की वजह से भी लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो इसके चलते अगर मैं करंटली देखूं आपकी एनर्जी कैसी है, तो यहां पर ये तो मुझे दिखाई देता है कि अबंडेंट हो। अब बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास जॉब ना हो, बिजनेस ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, जॉब भी आपका अच्छा है और पैसा अच्छा आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि उतना नहीं आ रहा जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि बिल्कुल तो वैसा नहीं है जैसा कि आपने मैनिफेस्ट किया, लेकिन है जैसा हो रहा है वैसा। या फिर ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंट इतने ज्यादा हो कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपके करियर को लेकर बोल रही हूं, पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं, लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर देखूं तो हाँ इश्यूज हैं। अगर आप किसी के साथ में हो भी, लाइक आप मैरिड हो किसी के साथ में, हो सकता है जिनके साथ में आप बोल रहे थे शादी करने के लिए, उनके साथ में आपकी शादी हुई हो, तो उनके साथ में ये जो शादी हुई है ये कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक बंधन सा लगता है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, या आपको हर दिन फाइट करना पड़ रहा है, या आप खुद को प्रूव करना पड़ रहा है कि आप कौन हो। ठीक है, तो कुछ तो यहां पर जरूर है जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर अभी ही हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन है, कोई ऑब्सेशन है किसी को लेकर, जिससे आप खुद को हील कर रहे हो। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रॉपर है, बराबर है जैसा होना चाहिए, बस ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप हील कर रहे हो अभी करेंटली। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आप जवाब मांग रहे थे उन्हीं के लिए हीलिंग कर रहे हो। हो सकता है वो किसी डार्क एनर्जी में हो और आपको ये बताया गया हो कि भाई सामने वाला किसी डार्क एनर्जी में है, निगेटिव एनर्जी में है, तो उसको उस एनर्जी से बाहर लाने के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, तो वो हीलिंग कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी ये है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं उसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, उसके लिए जो कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ रही हैं वो झेल रहे हो आराम से। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कि मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, आप ऐसे कर रहे हो कि ठीक है ये भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है, मुझे ये करना है, मुझे यहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर डोनेशन, चैरिटी से जुड़े कुछ काम आप कर रहे हो, बेशक दिखाई देता है जो भी कर रहे हो आपको पता होगा, लेकिन हाँ आप कर। एक चीज जरूर है कि अभी आपको यह पता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है या मुझे क्या चाहिए। ओके, ये यहां पर दिखाई देता है। एंड बहुत ही अच्छी बात वो ये कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है ना कहीं बैलेंस्ड है, ये चीज देख पा रही हूं। बट हां, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हो, लेकिन हमेशा नहीं, समटाइम्स, वो भी शायद रात के टाइम में, दिन में नहीं, जब आप सोने जाते हो उस वक्त। यस, तो ये है आपका प्रेजेंट, तो आप देखिएगा कि आपसे ये रेजोनेट करता है या फिर नहीं। अगर ये कर रहा है तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। ओके, चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। ये है मेजर अरकानास, आपको पता ही है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेजर अरकाना से ही शुरू करते हैं, देखते हैं मेजर एनर्जी क्या है और फिर हम क्लैरिफाई भी करते जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, वरना और सारे कार्ड्स जो हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स एंड मूनोलॉजी वो सब कुछ देखने वाले हैं। जस्टिस, वेरी नाइस। वर्ल्ड, एम्प्रेस, ओके, एंड यहां पर है हैंग्ड मैन। तो गाइस, सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि जो साइकिल चल रहा था आपका अभी तक, जिसमें आप स्टक थे, अगर आप किसी से किसी तरीके का जवाब मांग रहे थे, अगर आप जस्टिस मांग रहे थे, अगर आप चाहते थे कि लोगों को रियलाइज हो कि आप सच में क्या हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ही कि कुछ तो अभी भी है, कुछ तो बाकी है जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, और जिसकी वजह से हमेशा तो नहीं, वैसे तो आप बहुत मजबूत हो, लेकिन समटाइम्स आपको लो फील होता है क्योंकि सेवन ऑफ कप्स था, राइट? तो वो जो साइकिल है वो एंड हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, और क्योंकि यहां पर एम्प्रेस है तो आपको पता ही है इसका मतलब क्या है, ये अबंडेंस का कार्ड है। ओके, जितना आपने चैरिटी किया है, जो डोनेशन दिया है, जो भी आपने लोगों की हेल्प करी है,
चाहे वो कैसे भी हो, जो आपने जिम्मेदारियां उठाई हैं, जो आपके इंटेंशंस रहे हैं, जो आपका जैसा दिल रहा है, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, ये समझ लो, क्लियर है? अगर मैं ये नहीं भी बताती, कार्ड्स नहीं भी समझाती, तब भी आपको पता है इन कार्ड्स का क्या मतलब है, क्योंकि आप रीडिंग्स देखते रहते हो। ओके, उसके बाद भी कुछ कार्ड्स हम और निकालेंगे, ऐसे ही नहीं करने वाले रीडिंग को क्लोज, और भी देखेंगे। दर्द बहुत है ना, जो क्वीन ऑफ सोर्स या सी, कुछ कार्मिक इश्यूज रहे हैं आपके और उनकी एंडिंग है। जो जस्टिस का कार्ड है वो कार्मिक इश्यूज की भी बात करता है, जस्टिस है, जजमेंट है। ओके, तो उनकी एंडिंग है। फाइनली जो जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं, जो काम आपने किया है, अपनी एबिलिटी से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा आपने किया है, जो भी किया है, एंड सिर्फ दूसरों के लिए किया है, लेकिन शायद आपको कभी समझा नहीं गया। मैं वही बोलने वाली थी कि जो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आते हैं ना, उनका यही होता है कि अंदर से वो बहुत ही टूटे हुए होते हैं, लेकिन उनकी बातों की वजह से कोई उनको समझ नहीं पाता। और ज्यादातर उनके साथ ऐसा होता है कि लोग उनको ब्लेम करते हैं, या फिर उनके लिए बुरा सोचते हैं, या उनको बद्दुआएं देते हैं, या फिर उनको अपनी खुशियों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई पार्टी फंक्शन हुआ, कोई सेरेमनी हुई, तो उनको बुलाना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, इनवाइट तक नहीं करना, कुछ कुछ करना ही नहीं है, उनको भनक तक नहीं पड़ने देनी है, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी बन जाती है कि अरे ये अगर होंगे तो कुछ गलती होगा। और दूसरों की भी गलती नहीं है, इस एनर्जी में कोई तभी आता है जब कोई हील नहीं होता, किसी के साथ में कुछ बहुत बुरा हुआ हो चाइल्डहुड में, या फिर किसी भी एज में, जरूरी नहीं कि जब वो बच्चे थे तभी, किसी भी एज में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट गए, तो जब वो वापस खड़े होते हैं ना, तो वो इस तरीके से सामने आते हैं, वो अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक कर लेते हैं, दिल को बिल्कुल बंद कर लिया कि हमें दिल से कुछ महसूस ही नहीं करना, अब हमने ऐसे ही करना है, अब लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना है, ये वाली एक सोच रहती है। होते वो काइंड हैं, क्योंकि हेल्प करते हैं सभी की, ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं कि अब सबक सिखाएंगे तो वो हेल्प नहीं करते, नहीं करते हैं, लेकिन बातों में ना वो दर्द आ जाता है, तो वो दर्द कड़वाहट बनकर सामने आता है। और हम सभी जानते हैं कि लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे वैसी बात करें जैसे कि वो सुनना चाहते हैं। ओके, ये है दिक्कत। जो क्वीन ऑफ सोर्स या किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, वो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो नहीं है वो भी बोल देते हैं फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बोलते हैं जो सच है, बट लोग नहीं सुनना चाहते वो। ओके, ऐसा हो जाता है, तो गलत फहमियां हो जाती हैं उनको लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनको पसंद करना लोग बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काइंड तो आप हो, कर तो सभी कर रहे हो, बट लोगों के मन से स्नेह खत्म हो जाता है। लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरा करना बंद नहीं करते, लेकिन आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो वो तो आपके खाते में लिखा जा रहा है ना ऊपर वाले की तरफ से, तो जो भी आपके कर्म रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा ही, तो मिलने वाला है। जो साइकिल ये था अभी तक, वो एंड होने वाला है। जो भी कंफ्यूजन था, जो भी आपके मन में सवाल थे, ठीक है, किसी तरीके का एडिक्शन था, ऑब्सेशन था, ओवर थिंकिंग थी, तो उसका एंड हो जाएगा और उसके बाद अबंडेंस है आपके लिए। ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा, और इसीलिए अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग हो जाती है कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, बुरा नहीं कहा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। तो हाँ, जस्टिस आपको मिलेगा, ओके, डोंट वरी। लेकिन जिनको आपने कड़वा बोला है अपने इस नेचर की वजह से, उनसे आप एक्सपेक्ट ना करो कि वो आकर आपसे माफी मांगेंगे या क्या। हाँ, वहां से जस्टिस मिलेगा जहां से आपको दर्द मिला, जिसने आपको ऐसा बना दिया, तो वहां से कुछ जस्टिस मिलेगा। ठीक है, फॉर श्योर मिलेगा, दिख रहा है, कार्ड्स ही ऐसे हैं, मेजर काना है, आप देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्स, एक साइकिल ये एंड होगा, फिर नया साइकिल यहां पर शुरू होगा, और नई शुरुआत में ही एम्प्रेस है। एम्प्रेस के लिए भी देख लेते हैं कि क्या है यहां पर कार्ड। नेक्स्ट 72 आवर्स काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए।
पेनफुल रही है आपकी जर्नी। मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर, प्रपोजल के चांसेस हैं, मैरिज प्रपोजल के, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो रिकंसिलिएशन के, एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अबंडेंस। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर एम्प्रेस है, और मैं क्या कहूँ बताओ। बहुत ही सुंदर कार्ड से आप इसके लिए देख रहे थे, मतलब आप कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, तो वो आपको मिलने वाले हैं। ओके, जो आपने सहा है और जो आपने मेहनत करी है ना, वो खाली नहीं जाएगी। ठीक है, भरोसा रखो, खाली नहीं जाएगी। और आपको पता है मैं कभी भी रीडिंग इस आधार पर नहीं करती कि आपको अच्छी लग जाए, मैं वही बताती हूँ जो सच है, और इसकी वजह से कई बार मुझे सुनना भी पड़ जाता है। लेकिन हाँ, मेरा काम है सच बोलना, मेरा काम है गाइड करना। ठीक है, और गाइडेंस तभी अच्छा होगा जब सच्चा होगा, वरना तो क्या फायदा। ठीक है, तो यकीन मानो, ये शायद बहुत दिनों बाद है, आई थिंक कई साल निकल गए हैं जब आपने कोई गुड न्यूज नहीं सुनी या कुछ ऐसा नहीं हुआ जो आपको अच्छा फील करवाए। सो बहुत दिनों बाद है, सो इसको इंजॉय करना। ओके, बस मैं यही कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत तकलीफ में हो। आज बहुत कुछ आपने अचीव भी कर लिया है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। आपको अभी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ तो है, कोई तो कमी है। सो वो कमी पूरी हो जाएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी है एक मैसेज कि अगर प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कत थी तो गुड न्यूज आपको मिल सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बस मैं यही कहूंगी कि अभी निगेटिव नहीं होना है, आप नहीं होना है कि ऐसे सोचोगे पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, आई होप सो कि ऐसा हो जाए। नहीं, आपको अगर एंजल्स बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर तो किसी भी तरीके का डाउट तो वैसे ही नहीं रखना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहे हैं यहां से कार्ड्स। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। ओके, क्लैरिफाई भी हम करेंगे, सो डोंट वरी, मैं डिटेल रीडिंग दूंगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, कोई केस वगैरह अगर चल रहा है ना, तो उसमें भी सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए, और यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि हो सकता है किसी तरीके के एडजस्टमेंट आपको करने पड़े, तो पीछे मत हटना, आप कर सकते हो, और अभी आप इतने अनुभवी हो कि आपके फैसले गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इंट्यूशन की सुनते हुए फैसला लेना है। टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो, यहां पर भी वर्गो के कार्ड थे और आ भी गया है। ओके, पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, तो जो भी पर्सनल इश्यूज हैं उनका रेजोल्यूशन आपको मिलने ही वाला है, बट यहां पर कुछ देख लेते हैं। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कम्युनिकेशन इज की, आपको बात करने के लिए बोला जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या है ये। कम्युनिकेशन आपका एंजल से भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी पर्सन से ही है। ओके, ये कार्ड्स देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो क्या बता रहा है, ओके, ऑलराइट, ओके गाइस, तो यहां पर आप लो, जजमेंट भी आ गया, मैं भूल ही रही थी आपको।
कि जस्टिस और जजमेंट ये सारे कार्मिक इश्यूज की बात करते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर देखो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए या आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़े से प्रयास करें। अगर किसी के साथ में आप बात नहीं कर रहे हैं, आपने बिल्कुल खुद को शट करके रखा है कि मैंने कुछ कहना ही नहीं है, मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, कोई मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो मैंने आना ही नहीं है, आसपास वालों को बोल दिया कि आप जाकर वो हैंडल कर लो, मैंने नहीं कहना कुछ, मैंने नहीं बोलना कुछ, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है। अगर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है पर्सनल, मैंने कहा ही था कि प्रोफेशनल लाइफ में मुझे इश्यूज नहीं लग रहे, पर्सनल लाइफ में इश्यूज लग रहे हैं, तो वहां पर जो रेजोल्यूशन आपका होगा आपके इश्यू का वो तभी होगा जब आप बात करोगे, ठीक है। तो जिससे भी आपको बात करनी है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कोई एक प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ जो भी प्रॉब्लम है ऐसी है कि जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, मैंने कहा ही था किसी तरीके की ओवर थिंकिंग है, ऑब्सेशन है, किसी तरीके का एडिक्शन है, तो उससे निकलने के लिए जरूरी है कि आप बात करें, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, जस्टिस मिलेगा, बट थोड़ा सा या तो प्रयास करो या फिर किसी को चांस दो कुछ कहने का। मुझे ऐसे लगता है कि आप चांस ही नहीं दे रहे, आप ऐसे सोच रहे हो कि मैंने चांस ही नहीं देना, मौका ही नहीं देना, बहुत हो गया, तो वो काम नहीं करेगा। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लगेगा सुनकर कि इस बार भी मैं ही करूं क्या, लेकिन इस बार आप अगर कुछ करोगे ना तो वो आपके अच्छे के लिए है। अब ये कैसे रेजोनेट हो रहा है वो आप समझ लेना। ओके, यस, क्या सिचुएशन है आपको पता है, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में एग्जैक्टली वही होगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अगर किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं बात करने के लिए, किसी को ब्लॉक करके रखा है, किसी को आन नहीं दे रहे अपने पास, तो उनको चांस दो। ऐसा नहीं है कि उनको सिर पर ही चढ़ा लो, लेकिन एक मौका दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, राइट, आई थिंक ये सही भी है, दे देना चाहिए। हम वो गलती नहीं करें ना वापस जो हमसे हुई है, हमें नहीं करनी गलती, बट कोई बात करना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है तो कहने दो ना, कह लेने दो। और यहां पर अगर कोई केस वगैरह चल रहा है आपका, ओके, सपोज, तो यहां पर बोला जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ पैसे वैसे आपको देने पड़े, तो वो कर लो, ठीक है, चलेगा, अगर आप सही हो तो। याद रहे आपके लिए जस्टिस एंड जजमेंट आया है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप सही हो तो आप कर सकते हो ये थोड़ा लेन देन, लेकिन अगर आपका केस कुछ ऐसा है जिससे कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, इसी तरीके का कुछ है, तो फिर ध्यान रहे कर्मा सभी को मिलता है। ओके, तो ये आपको करना है। हो सकता है कोई केस आपका चल रहा हो जिसमें आप नहीं खर्च करना चाहते, बट आपको बोला जा रहा है कि जब तक आप खर्चोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा ये सब कुछ। नेक्स्ट 72 आवर्स में देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। ये आ रहा है कार्ड, अटैचमेंट है किसी से, अटैचमेंट आपकी, तभी डेविल आ रहा था कार्ड, है किसी के साथ में इमोशनल अटैचमेंट है, वो भी कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है पैसे वैसे वाला, इमोशनल अटैचमेंट है, और ये बहुत तकलीफ देता है। आप जानते हैं कि जिसके साथ में अटैचमेंट है आपका वो सही नहीं है आपके लिए, या अटैचमेंट सही नहीं है, या वो इंसान सही नहीं है, या पता नहीं क्या, और आप फाइट भी करते हो, ऐसा नहीं है फाइट नहीं करते, लेकिन ये दर्द दे रहा है, भागना नहीं है, ठीक है, भागने से कुछ नहीं होगा। अगर भागते हो, या जैसे ये सोच होती है कि उसने मेरे साथ ये किया और अब मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगा, या फिर चांस ही नहीं देना है मैंने वापस, तो वैसे ये सही भी है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, मैं खुद बोलती हूँ जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं, जब मैं देखती हूँ उनके कार्ड्स कुछ इस तरीके से हैं कि उनको ब्लॉक ही कर देना चाहिए, तो मैं उनको कह देती हूँ कि भाई सामने वाला बंदा अगर इतना परेशान कर रहा है और आपके कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपके लिए नहीं आ रहा, आपके लिए यही आ रहा है कि आप बात करो, ठीक है। वर्ल्ड अबंडेंस है आपके लिए, आप एक्सप्लोर करोगे, नई शुरुआत हो जाएगी आपकी,
मैन होल्डिंग अ हॉट, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया बंदा हो, आना चाहता हो, लेकिन आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आप उसको आने नहीं दे रहे और आप इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो नहीं करना है आपको, ठीक है? मतलब ये नहीं करना है कि बात नहीं करनी है, मैंने बात करो, ठीक है? कोई आता है आपकी लाइफ में तो आने दो, ऐसे रोकना नहीं है, यूनिवर्स यही कह रही है, ठीक है? हो सकता है दिल ना लग रहा हो, मन ना करा हो, लेकिन अपने आप को मौका दो, एक मौका दे दो। इतना ज्यादा खुद के साथ में स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात नहीं है, राइट? यस। और भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, यहां से आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील कर पाए, क्योंकि ये रीडिंग ही बहुत हैवी एनर्जी लेकर आई है, तो शायद आपको थोड़ा अच्छा फील ना हो रहा हो। हालांकि रेजोनेट तो करेगी ये रीडिंग जिनसे करेगी, बट हो सकता है उनको थोड़ा पास्ट का याद करके किसी को अच्छा नहीं लगता अगर पास्ट ऐसा रहा हो तो। बस ये है, मेक अ विजन बोर्ड। आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, गाइज आप एक बोर्ड बना लो। मैंने ये टेक्निक्स भी शेयर करी हैं, इसी चैनल पर वीडियो है, आप देखना मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा विजन बोर्ड के बारे में कि कैसे बनाते हैं। ओके आप ये काम करना शुरू करो, आपको अच्छा लगेगा नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, मसाज। आपको मसाज की जरूरत है, थोड़ा रिलैक्स फील करो आप। ओके और देख लेते हैं कार्ड, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कार्ड निकाल लेंगे। राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल भी करना है, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है एक्चुअली, ठीक है? और देखो मिठाइयां खाओ अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले। ओके यहां पर देखो ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है, एंड यहाँ नंबर देखो आप 33 एंड 55। हो सकता है नंबर्स आपको दिखते भी हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप विजन बोर्ड बोर्ड बनाओ या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल करो, और उसमें जो भी आपकी विश है उसको आपने लिखना है, तो आपकी जो विश है उसी तरीके से पूरी होगी जिस तरीके से आप चाहते हो कि पूरा हो। ओके यहां पर यही है एक्चुअली, आपकी विश तो पूरी हो रही है लेकिन शायद आप उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते। आपको ये लगता है कि मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, आप खुद ही ये हो मेरा काम। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उस वाली एनर्जी में हो। और यूनिवर्स ये चाहती है कि वो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे तब वो आपको मिलेगा, ठीक है? मैं यही कहूंगी, किसी जिद को पकड़कर मत बैठो। जैसे जिधर यूनिवर्स आपको भेजना चाहे उधर आपको जाना है, वैसा आपने करना है। गलत नहीं करना है, कुछ गलत करवाएगी भी नहीं यूनिवर्स, और इसके लिए आप इतने समझदार हो, इंट्यूशन भी अच्छी है, सो डोंट वरी। मैसेजेस हो सकता है कि आप रिसीव करें। अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है कि जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे कुछ भी, किसी से किसी तरीके के मैसेज का अगर आपको वेट है तो आपको उसे मैनिफेस्ट करना है, वो वैसा ही मैसेज आपके लिए सेंड करेगा। आंसर्स आपको मिलेंगे, एंड यहां पर आई थिंक दो कार्ड्स हैं। अप्रूवल आपको मिलेगा, मैरिज के चांसेस हैं जो कि मैंने पहले बोला ही था। यस हैवी हैवी एनर्जी थी ना आज रीडिंग में। ओके सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।